हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार, आपके सामने क्रैक कैम में आपका स्वागत है। देखो, आज का जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि जून 2011 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या था, एट रूम टेम्परेचर विच मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम रोटेशनल एंट्रोपी। आपको बताना था कि सबसे ज्यादा रोटेशनल एंट्रोपी किस मॉलिक्यूल के अंदर होगी, H2 में होगी या फिर D2 में होगी या N2 में होगी या आपके पास O2 में होगी। तो इसके लिए एक चीज है हमेशा याद रखना, चाहे आपसे इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाए, पार्टीजन फंक्शन है, जनरली इंटेंसिटी और मास के बारे में ही रिलेशन आपके पास आता है, उसको याद रखना है। क्या कहता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपके पास रोटेशनल एंट्रोपी है, रोटेशनल एंट्रोपी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्टीजन फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए मैं क्या कह सकती हूँ, ये किसके है, इंटेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर क्या कहो, ये मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी आपकी रोटेशनल एंट्रोपी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर ये कहो जिस मॉलिक्यूल का मास सबसे ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी रोटेशनल एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। बस आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए था कि मास ज्यादा होगा तो रोटेशनल एंट्रोपी आपके पास ज्यादा होगी। तो कैसे निकाल सकते हो, H2 है आपको पता है 2 होगा, आपके पास यहां पर क्या है D2 आपके पास है, D2 का मास भी क्या रहता है, H2 आपके पास 1 होता है, D को हम क्या कहते हैं 1 कहते हैं, इसका मास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का देखो टोटल मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन 7 और 14 आपके पास, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑक्सीजन की बात करोगे आपके पास कितना होता है, 8 आपके पास एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, तो टोटल आपके पास कितना बनेगा 32 बनेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा रोटेशनल एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, इसका मतलब इन चारों में से ऑक्सीजन की रोटेशनल एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, तो डी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो O2 में सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा, फिर D2 में, उसके बाद आपके पास क्या है H2 के अंदर आपके पास होगी। तो इजी सा क्वेश्चन है, 2 पूछा जा चुका है रोटेशनल एंट्रोपी के ऊपर। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा मास होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है आपकी रोटेशनल एंट्रोपी है वो भी आपकी मैक्सिमम होती है उस पर्टिकुलर केस में। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। बस प्रैक्टिस तो क्या करनी है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगले लेक्चर में फिर प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।